दोस्तों महादेव की नगरी बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए त्रिकोणमिति के 8.2 जो है चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और जो है वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, जो क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आएगा आप कमेंट क्वेरी में आप पूछ सकते हैं, ओके। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा है 1 - tan² 45° / 1 + tan² 45°। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा आप इसका जो है वैल्यू पहले पुट करिए। आपको मैंने वैल्यू याद किया होगा, याद करवाए होंगे सारणी मेथड से। आप सारणी से सारा वैल्यू याद कर लीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करना सीखिए, उसके बाद अपने आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से, करा है 1 - tan² 45°, ओके, बटे 1 + tan² 45°। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा अब इसका वैल्यू पुट करिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 1 - 1 / 1 + 1, यानी 0/1 बराबर, यानी कि 0 मेरा फाइनली आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आप जो है आंसर मिला लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है sin 2a = sin a, जो है a के बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो जो है सिंपल मेथड से पहले sin 2a के तोड़िए। sin 2a का फार्मूला मैंने याद करवाया हूँ कि जो है होता है 2 sin a, देखिए 2 sin a into cos a, ओके, बराबर होता है sin a दिया है, ओके, sin a दिया है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे 2 sin a है, ओके, क्वेश्चन मिस्टेक किए होंगे। देखिए 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, यानी मेरा cos a वैल्यू आ गया 1, यानी a का वैल्यू मेरा फाइनली 0° आ गया, ओके। ऑप्शन देखिए कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे जो है 2 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है 2 tan 30°, 2 × मैंने tan 30° का मान बताया हूँ 1/√3 होता है। अब इसको जो है 1/√3 कर लीजिए, ओके, बटे 1 - देखिए 1/√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। आप इसको सिंपल में तोड़ दीजिए, ये होगा 2/√3 बटे, देखिए 1 - 1/3 हो जाएगा, यानी कि 3 - 1/3 है, ठीक। अब इसको 3 ऊपर लेके जाएंगे, यानी 3 × 2/√3 है मल्टीपल, देखिए 3 में से 1 घटा दीजिए 2 होगा, ओके, ये बराबर में है। ध्यान समझिए 2 से 2 काट दीजिए। अब देखिए जो है 3 है, 3 को हम क्या कर सकते हैं, √3 × √3, ये 3 है, 3 रहने दीजिए। देखिए 1 3 से कट जाएगा, यानी कि √3 मेरा जो है फाइनली आंसर हो गया। अब देखिए ऑप्शन में किसका जो है मान √3 होता है, टैन जो है 60° का मान √3 होता है, ऑप्शन में देख लीजिएगा tan 60° वही आंसर होगा, ओके। आप जो है इसको नोट करिएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन को एकदम बारीकी से आप देखिए, क्वेश्चन आप जो है लगाना सीख जाएंगे। त्रिकोणमिति बहुत आसान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत हार्ड होता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस प्रैक्टिस करिए, आपका जो है सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति का, क्वेश्चन नंबर 3।
अब देखिए क्या हुआ, ये तो आप क्वेश्चन जो है नोट कर लिए होंगे। ओके देखिए अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि टैन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री है और टैन ए माइनस बी बराबर वन बाई रूट थ्री है, जहाँ जो है जीरो इज ग्रेटर देन ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, जहाँ पर ए जो है बड़ा है बी से। ओके तो आपको फाइंड आउट करना है ए व बी का मान बताओ। तो ये सिंपल है, समीकरण बन जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, कह रहा है टैन ए प्लस बी बराबर क्या कर सकते हैं, 30 रूट थ्री है, मार्कर नहीं चल रहा, अगला यूज कर रहे हैं। ओके देखिए अब इसको हम ए प्लस बी बराबर करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, इसको समीकरण एक मान लीजिए। ओके देखिए टैन ए माइनस बी बराबर दिया 1/√3। ओके इसको 1 a - b बराबर करेंगे, ये 30 डिग्री का मान है, ये समीकरण दो हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर आप समझ जाइए, कह रहा समीकरण प्रथम और द्वितीय को जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होगा, ध्यान समझिएगा। आप ऐसे करिए इसको जो है जोड़ देंगे तो बी से बी कट जाएगा, यानी मेरा 2a बराबर आएगा 30 में 6 जोड़ेंगे 90 डिग्री होगा, यानी a का वैल्यू मेरा 45 डिग्री आ गया। ओके जब a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया तो इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे जो है b का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 - 45, यानी कि b का वैल्यू मेरा आ जाएगा 15 डिग्री। ओके ये तो आपको समझ में आया होगा, ध्यान समझिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा a प्लस बी बराबर रूट थ्री तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया, समीकरण एक मान लीजिए। इसी प्रकार से tan a माइनस बी बराबर रूट 1/√3 है, यानी कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करिए ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ने पर यानी 2a बराबर 90 डिग्री, यानी a बराबर 45 डिग्री। तो आपको जो है v का वैल्यू निकालना हो तो इसमें पुट कर दीजिए, b का वैल्यू जो है 15 डिग्री आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। ओके अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, आप इसको जो है इतना जो है नोट करिएगा। देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, आपको जो है फाइंड आउट करना है, इसमें बोल रहा है कौन सा समीकरण जो है कौन सा समीकरण सत्य है असत्य है। आपको जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा जो है विकल्प सही है या गलत है, आपको वो चूज करना है। ओके क्वेश्चन को आप जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा आप क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम जो है सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर आपको पता चल जाएगा कि नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है, अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो यानी वो जो है सत्य है, अगर नहीं हो रहा है तो वो यानी असत्य है। ओके क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और क्वेश्चन को ध्यान से लगाना सीखिए तभी आपको आएगा। देखिए आगे जो है बताने वाला हूं क्या दे रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा
तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान समझिए कैसे लगा रहे हैं। ओके, देखिए हम मान ले रहे हैं पल भर के लिए कि ए बराबर मान लीजिए 30 डिग्री ले लिए, ओके, बी बराबर 60 डिग्री ले लिए, कोई भी आप ले सकते हैं, आपके ऊपर है, ए बराबर 60 डिग्री भी ले सकते हैं या बी बराबर जो है 30 डिग्री भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, 45 डिग्री 60 डिग्री मान सकते हैं, 90 डिग्री 60 डिग्री मान सकते हैं, या 0 डिग्री 30 डिग्री मान सकते हैं, आप कोई भी जो है वैल्यू रख सकते हैं। आप देखिए यहाँ हम रख दिए हैं तो क्या करेंगे, इसके यहाँ भी रखेंगे, यानी कि साइन जो है 30 प्लस 60 डिग्री, ओके, बराबर देखिए साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अब ध्यान समझिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, ये आपको बताया होंगे, साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री मान होता है 1/2, ध्यान समझिए। ओके, अब 90 डिग्री का मान 1 हो गया, अब इसका देखिए मान कितना हो गया, इसका भी मान 1 हो गया, क्या ये पॉसिबल है, आप कह सकते हैं, देखिए कॉस 60 डिग्री का मान इतना है और जो है इतना डिग्री इतना, आप क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं मानिए। ओके, आप जब भी मानेंगे तो ए बराबर 60 डिग्री, देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिए, सॉरी मच्छर काट रहा है, सॉरी, देखिए इसको हम जोड़ेंगे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो ये तो 90 डिग्री हो गया, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, इसी प्रकार से साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 जो है 2 होता है, कॉस जो है 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री को 1/2 होता है। ओके, ये आपको इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए आशा करता हूँ कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जब भी यहाँ पे कास जो है बी रहेगा तो दोनों का वैल्यू जो है इक्वल आ जाएगा। ओके, आप कह सकते हैं कि जो है वैल्यू जो है 1/1 आ गया, यानी इक्वल आ गया, जब भी यहाँ कास भी हो जाएगा, बट यहाँ साइन भी है, क्वेश्चन को जो है लिखने में मैंने रॉन्ग कर दिया था। आप ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को किस तरीके से लगाना है, अब इसको जो है जोड़ेंगे तो साइन 90 डिग्री मान हो जाएगा, देखिए साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ओके दोस्तों, देखिए ध्यान से, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1/2 होता है, प्लस इसका मान √3/2 होता है, ध्यान समझिए। अब जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का जुड़ जाएगा, यानी हर सेम है तो √3 + 1/2 हो जाएगा, बराबर है, क्या ये बराबर है, इज नॉट इक्वल है। ओके, यानी कि ये असत्य है, ओके, यानी कि फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो अब जो है वैल्यू पुट कर लेंगे तो आसानी से सॉल्व हम कर लेंगे, बट यहीं पे कास भी हो जाएगा ना तो वैल्यू दोनों का इक्वल हो जाएगा, ये ध्यान समझिएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के बाद कॉस थीटा में वृद्धि होगा, हाँ देखिए ध्यान समझिएगा, कास जो है थीटा में वृद्धि होगा, 0 से 90 डिग्री की ओर जाता है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, जस्ट इसी प्रकार से कास का वैल्यू जो है 1 से लेके 0 की ओर जाएगा, यानी कि कास का वैल्यू 1 से लेके 0 की डिग्री की ओर जाएगा, तो यानी कि कास थीटा में क्या होगा, वृद्धि होगा। ओके,
यानी कि हम कह सकते हैं कि ये राइट आंसर है, यानी कि थीटा में वृद्धि होने के बाद जो है कॉस थीटा में क्या वृद्धि होगा, हाँ बिल्कुल कॉस थीटा में वृद्धि होगा, यानी हम इसको सही कह सकते हैं। ओके अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए क्या कह रहा है। कॉस थीटा देखिए तीसरा क्वेश्चन तो मैंने बता दिया हूँ, कॉस थीटा वृद्धि कब होगा, जब एक से लेकर जीरो की ओर बढ़ेगा तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। जस्ट इसी प्रकार से बोल रहा है क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा करा थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर ये दोनों बराबर होगा। देखिए ध्यान समझिए, हम सपोज दैट थीटा बराबर मान ले रहे हैं 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री, तो यहाँ साइन 30 डिग्री तो लिख सकते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री, क्या ये दोनों का मान इक्वल होता है, नहीं, इसका मान होता है 1/2 बट इसका मान होता है √3/2। क्या दोनों का मान इक्वल है, नहीं, इज नॉट इक्वल है, यानी ये असत्य है। ओके यानी कह सकते हैं ये रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन क्या करा, करा ए बराबर जीरो पर काट ए परिभाषित नहीं है। देखिए ध्यान से करा है ए बराबर जीरो पर काट थीटा क्या परिभाषित नहीं है, क्या परिभाषित नहीं है। अब ये आपको क्वेश्चन समझना है, अब क्या आप ए बराबर जीरो डिग्री यानी थीटा की जगह 0 डिग्री रख देंगे, ये बताइए आप काट थीटा के काट जीरो का वैल्यू क्या होता है, ये आपको पता होगा काट जो है जीरो का वैल्यू होता है इन्फानाइट, यानी कि जो जो है परिभाषित नहीं किया जा सके, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये सत्य है। ओके क्वेश्चन नंबर 5वां जो है पूर्ण रूप से सत्य है, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा तो कार्ड 0 डिग्री का मान होता है इन्फाइनाइट, यानी हम इसको जो है परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ओके क्वेश्चन जो है 8.2 जो है समाप्त होता है, क्वेश्चन जो है पूरा मैंने सॉल्व करा दिया हूँ डिटेल यानी कंसेप्चुअल बाई। ओके आपको जो है कैसा लगा आप जो है कमेंट सेक्शन ग्यूरी में जरूर बताइएगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।